सर प्लीज सर। क्षमा कीजिएगा सर, लेकिन आपका कहना गलत है कि खेलोगे कूदोगे तो जिंदगी होगी खराब, क्योंकि हमारे देश के कई महान खिलाड़ी जैसे मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, इन सभी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, हमारे देश का नाम खराब नहीं किया, हमें गर्व महसूस करवाया है उन्होंने। और अगर आप ही की तरह सारे विद्यालय ये सोचते कि खेलकूद का कोई महत्व ही नहीं है, ये खेलकूद के शिक्षक का कोई महत्व ही नहीं है, तो फिर हमारे देश में महेंद्र सिंह धोनी होते, साइना नेहवाल होती। नहीं सर, मैं मानता हूं कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन खेलकूद का भी अपना महत्व है सर, क्योंकि खेलकूद के कारण ही बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। हाँ सर, खेलकूद से ही बच्चे अपने आप को इतना काबिल बना पाते हैं कि वो जिंदगी की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है सर, बच्चों को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दीजिए। प्लीज सर। बालवीर, पर बच्चों का क्या, ये तो हार कर चले जाएंगे, लेकिन स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी, इसलिए हम मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है कि स्पोर्ट्स का कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, बल्कि स्पोर्ट्स का पीरियड भी नहीं होगा, साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स के टीचर भी नहीं होंगे। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस साल एवीपी विद्या मंदिर हार जाएगी, तो बालवीर आपको वचन देता है कि इस साल एवीपी विद्या मंदिर ही जीतेगी। हाँ। अगर हार गए तो तुम्हारा प्रॉमिस टूट जाएगा, लेकिन हमारी स्कूल की नाक कट जाएगी, उसका क्या। देखो बालवीर, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, और फिर हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी जादू के वजह से ये बच्चे जीते। तो ठीक है सर, इस बार बच्चे मेरे जादू से नहीं बल्कि अपने हुनर से जीतेंगे। हाँ। और फिर भी अगर हार गए तो बच्चों का क्या होगा, बोलो बालवीर, अगर हार गए तो क्या करो, नाम तो हमारे स्कूल का खराब होगा ना। तो ठीक है सर, अगर इस बार एवीपी विद्या मंदिर हारती है, एवीपी विद्या मंदिर न्याय पृथ्वी लोक पर एवीपी कभी नहीं, न्याय पृथ्वी कभी नहीं। और जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाती, मैं अपने जादू का प्रयोग नहीं करता। बालवीर तुम क्या, ठीक है बालवीर, अगर तुम्हारा यही कहना है तो इन बच्चों को एक आखिरी मौका दे दो। लेकिन बालवीर, अगर हम हार गए तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों, क्योंकि मुझे तुम सब पे पूरा भरोसा है। हाँ बालवीर, क्योंकि इस बार हम अपने पीटी सर को नहीं खोएंगे और ना ही अपने बालवीर को खोएंगे, क्योंकि इस बार हम जीत कर ही रहेंगे। भयंकर खुश हो होगी आप तो खुशी परी भयंकर, क्योंकि कह जो दिया है बालवीर ने कि करेगा नहीं वो जादू का इस्तेमाल कुछ दिनों तक, हुई ये तो वही बात परी भयंकर की, फल आकर है गिरा खुद आपके मुंह में, अब होगा शुरू वो है क्या कहती आप, अब होगा शुरू बुराई का साम्राज्य। चलो परी भयंकर, वो जाता मैं सोने और आप भी
जाइए सोने आराम से। भयंकर परी कभी आराम नहीं करती। क्या परी भयंकर आप? अरे लीजिए कभी तो थोड़ी सांस चैन की और लेने तो मुझे भी। वैसे भी अब है क्या करना आपको, वो बालवीर तो बन गया है कमजोर बिना अपने जादू के खुद ही। अरे मसल देगी वो दो बहने कटीली और नुकेली उसको। अरे है बहुत खतरनाक वो दो बहने, कर देगी आपका वो काम। एक बहन सवारी की उत्पीड़ो और जिताएगी मेहर की प्रतिस्पर्धियों को, और दूसरी बहन कर देगी अंत बालवीर और परियों का। इसलिए परी भयंकर अब कर दीजिए आप भी तैयारी शुरू बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने की। खुश रहो रानी परी, खुश रहो, खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। रानी परी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल चिढ़ाएगा तू मुझे बार बार बुद्धू बुद्धू कहकर। कर दो मुझे माफ डूबा डूबा। नहीं डूबा डूबा क्षमा कर दो डूबा डूबा। नहीं कर दो क्षमा। नहीं डूबा डूबा आई अब अक्कल ठिकाने। डूबा डूबा चार। हाँ डूबा डूबा कर दो माफ मुझे। अरे डुबा डुबा ये कैसा यंत्र है जिससे तुम डुबा डुबा चार को उछाल सकते हो, उसे भगा सकते हो? यही नहीं सिर्फ बालवीर, अरे हूँ घुमा सकता मैं इस यंत्र की मदद से किसी को भी। हूँ करवा सकता लंबी कूद भी, और तो और हूँ करवा सकता मैं तैराकी भी। अरे वाह, लेकिन ये यंत्र आपको किसने दिया? बालवीर ये यंत्र नटखट परी ने बनाया था बच्चों के लिए। हाँ बालवीर, इसमें बहुत सारे खेल हैं और इसकी मदद से आप सामने वाले के साथ बहुत सारे खेल खेल सकते हैं। अच्छा दिखाओ डुबा डुबाए। ये लो। बालवीर, आप हमसे कुछ कहना चाहते थे? हाँ रानी परी, दरअसल पृथ्वी लोक पर अगर इस बार एवीपी विद्या मंदिर हारती है तो मैं पृथ्वी लोक पर कभी नहीं आऊंगी, और जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाती मैं अपने जादू का प्रयोग नहीं करूंगी। और इसीलिए जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं होती आप मेरा ये जादुई डंड अपने पास रखिएगा, और अगर एवीपी विद्या मंदिर के बच्चे हार जाते हैं तो मेरा ये जादुई डंड आप हमेशा हमेशा अपने पास ही रखिएगा। बालवीर ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप अपने जादुई दंड के बिना रहोगे तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, बुरी शक्तियां आप पर आक्रमण कर सकती है। बालपरी बिल्कुल ठीक कह रही है। बालवीर हम चाहते हैं कि आप अगले 3 दिन परी लोक में ही रहें, क्योंकि आप यहाँ सुरक्षित रहें। और हमें इस डन को भी विशेष सुरक्षा में रखना होगा। अगर भयंकर परी को ये बात पता चली तो वो इसे चुराने का प्रयास अवश्य करेगी। कालपरी आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक विशेष संदूक है। हाँ बालवीर, हम आपका ये जादुई दंड उस विशेष संदूक में रख देंगे। परियों हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए बालवीर, परियों इस संदूक में बुलंद ताला है और इस ताले में
चाबियों के 5 छेद हैं। बालवीर, इस बुलंद ताले को कोई भी इस चाबी के बिना नहीं खोल पाए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.